प्रथम पर्याय लोकसभा निर्वाचन आसंता काली निर्वाचन कमिशन पक्ष प्रकाश पाइब विज्ञप्ति। प्रथम पर्यायर एप्रिल 19 तारीख में 17 राज्य एवं 4 केन्द्रशासित अंचल 102 आसनपाई हेब मतदान। केरलर रोड शो एवं तमिलनाडु ठारे निर्वाचनी जनसभा उद्बोधन दे तमिलनाडु विकास 400 पार स्लोगान को दोहराइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगामी साधारण निर्वाचन पर कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षतार अनुष्ठित परिचालना कमिटी बैठक में दलर निर्वाचन इस्ताहार को प्रदान करागला चूड़ांत रूपरेख। नागरिकत्व संशोधन आईन सीएए रो वैधता नहीं सुप्रीमकोर्ट केन्द्र सरकार को जवाब तलब, 3 सप्ताह मध्य उत्तर रखा देले निर्देश। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद जमि बिवाद मामलें मस्जिद परिचालना कमिटी आवेदन को खारज कले सुप्रीमकोर्ट। ओडिशार स्वार्थ को दृष्टि रखी जनकल्याण आवश्यक पदक्षेप केन्द्रीय बीजेपी नेतृत्व निश्चित करे नवरंगपुर गस्तरे आसी सूचना देले छत्तीसगढ़ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा। एवं मयूरभंज जिला जसीपुर ब्लॉक रा बहुचर्चित मनरेगा दुर्नीति मामलार 25 अभियुक्तों मध्य 3 को आसंता काली प्रवर्तन निर्देशालय ईडी रे हाजर होगा जारी है नोटिस। नमस्कार, शुभ संध्या। दिन तमाम बहु गुरुत्वपूर्ण खबर सह मोदी ब्यासा आपण समस्त स्वागत करुछे। जिबा विस्तृत खबर को प्रथम पर्याय लोकसभा निर्वाचन आसंता काली निर्वाचन कमिशन पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइब। प्रथम पर्यायर एप्रिल 19 तारीख में 17 राज्य एवं 4 केन्द्रशासित अंचल 102 आसनपाई मतदान होब। प्रार्थीपत्र दाखल शेष दिवस होउछि चलित मास 27 तारीख। देश में 7 पर्यायर लोकसभा निर्वाचन अनुष्ठित होब। जून 4 तारीख में भोट गणति होब। निर्वाचन में बाहुबल बेआईन अर्थ कारबार विभ्रांतमूलक खबर प्रसारण आदि को रोकवाई निर्वाचन कमिशन पक्षर सबु प्रकार सतर्कता अवलंबन करा। निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान कमिशन चेतावनी दे सारी। निर्वाचन मंडलीगुड़िकर विभिन्न स्थान में 24 घंटिया समन्वित नियंत्रण केन्द्र प्रतिष्ठा कर संवेदनशील बुथगुड़िकर वेबकास्टिंग व्यवस्था कराड़ा पर्यवेक्षण कार्य ड्रोन गुड़ी नियोजित कर। निर्वाचन कार्यसूची घोषणा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिणांचल राज्यगुड़िकरे निर्वाचन प्रचार आरंभ कर। आज से तमिलनाडुर सेलम ठारे एक जनसभा रे उद्बोधन दे अगली बार मोदी सरकार स्लोगान रा पुनरावृत्ति करी। श्री मोदी कहिछन्ति तमिलनाडु विकास पई दरकार अगली बार 400 पार। से एही स्लोगान जरिया रे बीजेपी नेतृत्वाधीन केन्द्र एनडीए सरकार को पुणि थरे विपुल समर्थन सह जिताइबा पई राज्यवासी को आह्वान देछन्ति। श्री मोदी कहिछन्ति विकसित भारत हेउ बा आधुनिक भारत हेउ किंबा आत्मनिर्भर भारत हेउ सबु लक्ष्य को केवल बीजेपी ही पूरण करि परिबो। नारी शक्तिर सुरक्षा एवं विकास पई तांको सरकार बद्धपरिकर सेमानंकर सबु समस्या एवं विपद क्षेत्र रे मोदी ढाल रूपे कार्य करिवे बोली से कहिछन्ति। आगामी लोकसभा निर्वाचन रे राज्य रे पीएम के सह मेंट होइथिबारु प्रधानमंत्री एने खुशी प्रकट करिछन्ति। गतकाली होइथिबा निष्पत्ति अनुजाई पीएम के को 10 लोकसभा आसन छोडा जाइछे। जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। साथीगण, इंडिमेंटर लोक माने बारंबार जानिशुणी हिंदू धर्मर अपमान करुछंती। हिंदू धर्म विरोध रे एमानक मंतव्य बहुत उद्वेगजनक। आपण देखंतु डीएमके कांग्रेस रा इंडिमेंट अन्य कोनोसी धर्मर अपमान केतेबेले भी करी नाहंती। अन्य कोनोसी धर्म विरोध रे एमानक मुहरु गोटिए भी शब्द बाहरुनी, किंतु हिंदू धर्म को गाली देबारे एमानक गोटिए सेकंड भी लागुनी। एहा किपरि होई परिबो? एमाने तामिल संस्कृतिर प्रतीक पवित्र सेंगल को संसद रे स्थापना करिबा को विरोध कले। एमाने जानिशुणी तांकर अपमान करुछंती। आपणकर ए सेवक मोदी देशर नारी शक्तिर सुरक्षा पई बद्धपरिकर। नारी शक्तिर प्रत्येक समस्या रे ढाल रूपे छिड़ा होईछि। महिला मानकु धुआमुक्त जीवन बिताया पई आमे उज्ज्वला एलपीजी गैस संजोग देछु। आमे मागणा चिकित्सा पई आयुष्मान योजना आरंभ करिछु। एही योजनार केन्द्र रे नारी शक्ति ही अछि। इन सभी योजनाओं के केन्द्र में नारी शक्ति ही है। विभिन्न राजनैतिक दल पक्षर् चलिथिबा निर्वाचनी प्रचार परिप्रेक्षी रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल पलकट ठारे एक रोड शो करिछन्ति।
पलकड़ रास्तारे मोदी गाड़ी आगक बढ़ुता बेले रास्तार उभय पार्श्व लोकने पुष्प वृष्टि करते प्रधानमंत्री हाथ हलाई से अभिवादन जनाऊ लोकने बीजेपी पताका हलाई प्रधानमंत्री को स्वागत करुवा देखापी मिले आगामी साधारण निर्वाचन पर कांग्रेस निजर निर्वाचन इस्ताहार को चूड़ांत रूपरेख प्रदान करिछि। खूब शीघ्र एहाकु घोषणा करा जिबो। दिल्ली में आज दलय सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षतार अनुष्ठित कार्यकारिणी बैठक में इस्ताहार विभिन्न प्रतिश्रुति संपर्क में व्यापक आलोचना होइछि। बैठक में दलर पूर्वतन सभापति सोनिया गांधी और राहुल गांधी दलर वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी भद्रा पी चिदंबरम दिग्विजय सिंह अजय माकेन और केसी वेणुगोपाल जोगदेइथिले। बैठक परे दलर नेता केसी वेणुगोपाल गणमाध्यम को कहिछन्ति भारत जोड़ो न्यायजात्रारे दल देइथिबा पांचटी ग्यारंटी को आगामी निर्वाचन में पूरण करने दल उद्यम कर। बैठक में केवल निर्वाचन इस्ताहार संपर्क में आलोचना हो नथिला। दलर आगामी कार्यक्रम संपर्क में व्यापक विचार आलोचना करा। दल क्षमता को आसिले आशाकर्मी एवं अंगनवाड़ी कर्मी पारिश्रमिक दुईगुणा बढ़ावा कर्मजीवी महिला निवास संख्या को दुईगुणित करिबा महिला आईनगत अधिकार प्रदान करिबा आदि संपर्क में भारत जोड़ो न्यायजात्रा रे प्रतिश्रुति दिया जाइथिला। दल एहाकु पूरण करिबा पई सब प्रकार रो उद्यम करिबो बोली श्री वेणुगोपाल कहिछन्ते। चाकरी रे महिला मानकु संरक्षण आशाकर्मी अंगनवाड़ी एवं मध्यान भोजन कर्मचारी दरमार किछि अर्थराशि संचय आकार रे गच्छित रहिबो। महिला माने किपरि उपयुक्त न्याय पाइबे कर्मजीवी महिला मानक पई दुईटि हॉस्टल सुविधा रहिबो विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा सहित अत्यावश्यक निदान केन्द्र अस्त्रोपचार एवं थैथान व्यवस्था मध्य करा जिवो। जातीय सर्वनिम्न मजूरी दैनिक 400 टंका एवं एही सुविधा मध्य महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक मानक उपलब्ध हेबो। सहरांचल रे निजुक्ति ग्यारंटी मध्य रहिवो। जीवन बीमा एवं दुर्घटना जनित बीमार सुविधा असंगठित श्रमिक मानक मिलिवो। सरकारी चाकरी रे चुक्तिभित्तिक कर्मचारी निजुक्ति बंद हेबो। एही पांचटी ग्यारंटी एही निर्वाचन रे बड़ परिवर्तन आनिवो। दल स्थिर करिछि एही वार्ता देशर लोकमानक पाखरे पहुंचाइबो। कांग्रेसर मूल लक्ष्य युववर्ग महिला कृषक श्रमिक एवं समाजर विभिन्न वर्गर वंचित लोकमानक प्रसंगकु गुरुत्व प्रदान करिवो। आवर वर्कर्स एंड दोस हु आर सफरिंग इन डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ। नागरिकत्व संशोधन आईन सीएए रो वैधता नहीं सुप्रीम कोर्ट आज केन्द्र सरकार को जवाब मागिछन्ते। तीन सप्ताह मध्य यार उत्तर रखा लगे कोर्ट को पक्षरु निर्देश दिया जाइछे। आसंता एप्रिल 9 तारीख में यार परवर्ती सुनानी हेबो। सीएए रो कार्यकारिता को रोकिबा लागि सर्वोच्च अदालत रे 200 रु अधिक आवेदन होइछि। सीएए उपरे रहितादेश जारी करिबा पई बहु आवेदनकारी अनुरोध करिछन्ते। प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ विचारपति जेबी परदीवाला एवं विचारपति मनोज मिश्रा खंडपीठ एहार सुनानी चलिछे। अन्यतम आवेदनकारी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल अभियोग करिछि सीएए एक पातर अंतरमूलक तथा उद्देश्य प्रणोदित आईन एहा संपूर्ण रूपे धार्मिक परिचय उपरे आधारित। केतक संगठन सीएए अधीन आरंभ होइथिबा आवेदन प्रक्रिया को तुरंत बंद करिबा पई सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध करिछन्ते। अपर पक्षरे आवेदनर संख्या अधिक होइथिबारु ताहार जवाब रखिबा पई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता किछि समय देबा पई कोर्ट को अनुरोध करिथिले। तांको अनुरोध रक्षा करि कोर्ट एथि पई 3 सप्ताह महलत देइछन्ते। सुप्रीम कोर्ट आज मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद जमी विवाद मामलें मस्जिद परिचालना कमिटी आवेदन को खारज कर देते। मामला वर्तमान इलाहाबाद हाइकोर्ट में विचाराधीन थिबारु सेथिरे हस्तक्षेप करिबा ठीक हेबना ही बोली सुप्रीम कोर्टर दुईजणिया खंडपीठ स्पष्ट कर देते। मान्यवर विचारपति संजीव खन्ना एवं दीपंकर दत्तंक दुईजणिया खंडपीठ कहिछन्ति जदि विचार शेषे हाइकोर्टरु सेमानंकु न्याय न मिले तेबे सेमाने सुप्रीम कोर्टरे पुणी थरे आवेदन करिपारिबे। कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद बिवादकु नै उभय पक्ष मध्यरे इलाहाबाद हाइकोर्टरे मोट 15टी मोकदमा चलिछि। तेबे अलगा अलगा सुनाणी न करि 15टी मामलार एकत्र सुनाणी करिबा पई हाइकोर्ट गत जानुवारी 11 तारिखरे निर्देश देइथिले। तेबे एहा विरोधरे मस्जिद परिचालना कमिटी सुप्रीम कोर्टरे अपील करिथिले। तेलंगाना राज्यपाल तथा पुडुचेरी उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन इस्तफा पत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्रहण कर अन्यपक्षे झारखंड राज्यपाल श्री पी राधाकृष्णन वर्तमान पाई तेलंगाना राज्यपाल तथा पुडुचेरी उपराज्यपाल रूपे अस्थायी दायित्व तुलाइबे बोली राष्ट्रपति द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा।
ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ବୁଲଗେରିଆ ଜାହାଜ ରୁଏନ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ବୁଲଗେରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁମେନ୍ ରାଦେବ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବୁଲଗେରିଆର 7 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବଦ୍ଧପରିକର ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଆଜି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତିହାର ଜେଲ୍ର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ କଡ଼ା ନିରାପତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିନୟ କୁମାର ରୁଷିଆରେ ଭାରତର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ କୁମାର ଏବେ ମିଆଁମାରରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି 1992 ବ୍ୟାଚ୍ର ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ। Delivery boy has picked your order. फिर भी पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ବୋଲି ଛତିଶଗଡ଼ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଉମରକୋଟ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରି ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ମୋଦି ସରକାର ଦେଶର ସବୁବର୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ଉମରକୋଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଚା ଦୋକାନରେ ଅଟକି ଚା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଏକ ବୈଠକ, ଲାଭାର୍ଥୀ ଯୋଜନା ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ଡଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା ଯାଇ ଲାଭାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଜଗଦୀଶ ବିଷୋଇ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ, ପର୍ଶୁରାମ ମାଝୀ, ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। हम सब तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 8 साल 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दुनिया भर में देश के सामर्थ्य का डंका बजाया है। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में 370 खत्म हुआ है, कश्मीर पूरा भारत में मिला है। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में अयोध्या जी में जन चेतना के प्रतिमान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और भगवान आसीन हुए हैं उसमें। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में उत्तर पूर्व के सारे उल्फा और जैसे आतंकवादी संगठन सब थे वो सब खत्म हुए और वहां पर विकास की गंगा बही है। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में आसपास के देशों के जिन्होंने भारत से लड़ने की कोशिश की वहां घुसकर मारा गया है। आपको ध्यान है 2014 के बाद से कोई बम प्रदेश के अंदर में नहीं फूटता है। ऐसे देश को सुरक्षा देने वाले, सामर्थ्य देने वाले, प्रगति देने वाले, उन्नति देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। हम लोग जनता से आग्रह करने निर्वाचन आसी जाइछि। एहा देशर महान पर्व। प्रथम चरणर प्रचार पै समस्त राजनैतिक दलगुडीक अंटा भिडिलेनी। निर्वाचन तारीख, स्थान एवं भोट बक्स प्रस्तुत होई सारिछि। सेपटे जनसाधारण बेस उत्साहित, निज हातरे निज पसंदर प्रार्थीको बाछिबे, सरकार गढ़िबे।
जनप्रतिनिधि सह सरकार गठन पई लोकंक प्रिय भाजन हेबाकु समस्ते प्रयास करुछंती। एही परिप्रेक्षीरे आमे आपणंकु भेटी देउछु एक नियारा तथ्यभित्तिक क्षण जेउठी आमे आपणंकु विभिन्न निर्वाचन मंडळीर अतीत ओ वर्तमानर स्थिति संपर्करे संपूर्ण सूचना देबु। चालंतो देखिबा बरगड़ लोकसभा निर्वाचन मंडळीर इतिहास। बरगड़ लोकसभा निर्वाचन मंडली 2009 मसीह रणभूमि को आसीथिला। देशरे लोकसभा निर्वाचन मंडली पुनर्गठन समय रे संबलपुर लोकसभा मंडली ठारु अलगा होई नूतन लोकसभा मंडली गठित होईथिला। प्रथमे आसनरु कांग्रेस दलर प्रार्थी संजय भोई विजयी होईथिले। निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेडी दलर डॉक्टर हमीद हुसैन ठारु 98,393 खंड अधिक भोटे श्री भोई विजयी होईथिले। परे 2014 मसीह बीजेडी प्रार्थी प्रभास कुमार सिंह विजयी होईथिले। निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी दलर सुभाष चौहान 11,178 भोट अधिक पाइथिले। गत निर्वाचन में बीजेपी प्रार्थी सुरेश पुजारी तांको निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेडी नेता प्रसन्न आचार्य 63,939 खंड भोट अधिक पाई विजयी होईथिले। बरगड़ निर्वाचन मंडली भोटर गत तीनोटी निर्वाचन में कांग्रेस बीजेडी और बीजेपी को बाछिछंती। एकचटिया भाव कौन दल एठार विस्तार करिपारिनाहंती। बरगड़ लोकसभा आसन पद्मपुर विजयपुर बरगड़ अतावीरा भटली ब्रजराजनगर और झारसुगुड़ा भली सातटी विधानसभा निर्वाचन मंडली को नहीं गठित। 1995 मसीहा ठारु 2019 मसीहा पर्यंत जदि यार इतिहास को देखा जाए तेबे ए सातटी आसन रे पूर्वरु जनता दल दुई थर एवं परे बीजेडी दल 18 थर विजयी होईछि। झारसुगुड़ा आसन रे 4 थर, ब्रजराजनगर आसन रे थरे, भटली आसन रे 3 थर, मेलसामुंडा अतावीरा आसन रु 2 थर, बरगड़ आसन रु 5 थर एवं विजयपुर आसन रु 2 थर, पद्मपुर आसन रु 3 थर बीजेडी विजयी होईथिला। सेहिबळी कांग्रेस दल ए सबु आसन रे 16 थर विजयी होईथिबा बेले पद्मपुर आसन रे 2 थर, विजयपुर आसन रे 4 थर, बरगड़ आसनरु थरे एवं मेलसामुंडा और अतावीरा आसनरु 3 थर, भटलीरु थरे, ब्रजराजनगरु 3 थर एवं झारसुगुड़ा आसनरु 2 थर विजयी होईछि। अन्यपक्षे बीजेपी पद्मपुर आसनरु थरे, अतावीरा मेलसामुंडा आसनरु 3 थर, ब्रजराजनगरु थरे, मोट 5 थर ए सबु आसनरु विजयी होईछि। सीपीआई 1995 मसीह रे ब्रजराजनगरु थरे ही विजयी होईथिला। पंचम पर्यायर बरगड़ लोकसभा मंडली निर्वाचन होगा जाऊँगी। निर्वाचन आयोगों घोषणा अनुजाई मे मस 20 तारीख में भोट ग्रहण होबू से कौन रही स्थिति से संपर्क में आम प्रतिनिधि रिपोर्ट। मर्यादाजनक बरगड़ लोकसभा आसन 2009 निर्वाचन बरगड़ भोटर मैंने नुआ चेहरा देखी आसी 2009 मसीह कांग्रेस रु संजय भोई 2014 मसीह डॉक्टर प्रभास सिंह बीजेडी रु एवं 2019 बीजेपी रु सुरेश पुजारी को ये अंचलवासी निर्वाचित करिसेंति। 2024 कौन रही से संपर्क जानिबा आम सहित अछंति वरिष्ठ निर्वाचन विश्लेषक ए अंचल जनाशुना बुद्धिजीवी श्रीजुक्त अरुण महांती तांगठारु ए संपर्क जानिबा। खुशीर कथा जे निर्वाचन को बहुत गुरुत्वर सहित आपण माने नौचंति जहाँ कहले त गोटे कथा मु जोड़ी आपण कहले जे कांग्रेस बीजेडी और बीजेपी तीन जन तीन थर पाई आगर 1951 भी बरगड़ लोकसभा निर्वाचन मंडली थिला से जन स्वाधीन प्रार्थी पाई तमें आपन कही पारती समस्त बरगड़वासी संतोष कर तेबे जो निर्वाचन होते व्यक्ति विशेष को केत भोट जाईना मोर जानवे व्यक्ति विशेष प्रथम थर पाई घनश्याम दास थिरानी जन प्रतिपत्तिशाली व्यवसायी से पाई बाकी जो तीन जन प्रार्थी जीति से दलय प्रार्थी हिसाब से जीति तांकर व्यक्तिगत लोकप्रियता किंबा एमती किसी आखि दूसरा काम एमती लगी से पाने पाई नहांती। चलित बर्ष जनापड़ी जे बरगड़ निश्चित भाव गोटे नुआ लोक को आनबो ए पर्यंत तो प्रार्थी मानकर किछि जना पड़ी नहीं प्रत्येक मेंट भी किछि स्पष्ट होई नहीं यदि मेंट हुए ए पर्यंत स्थिर है नहीं मेंट को नहीं यदि चर्चा चली जदि मेंट हुए कौन स्थिति रहिबो यदि मेंट न हुए कौन स्थिति रहिबो। मो मतरे मेंट हेले बीजेडी रो किछि नुकसान हेई पारे किछि क्षति हेई पारे ए आज स्थिति रे ओडिसा रे बीजेडी रो संगठन बहुत सुदृढ़ रही जो प्राय 2000 बूथ रहिबो बरगड़ निर्वाचन मंडली रे बीजेपी रो सेते कार्यकर्ता नहांती जे 2000 बूथ को सेमाने कंट्रोल करि पारिबे कि सब जगह सेमाने काम करि पारिबे तेणु मेंट जदि भी होउछि बीजेपी किछि लाभ पाइबो।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ମେଣ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ମେଣ୍ଟ ନହେଲେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କର କ'ଣ ମୁଡ଼୍ ରହିଛି, କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ମହାନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ସମାଚାର ପାଇଁ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଲ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର 25 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 2020 ମସିହାରେ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକର ପୋଡ଼ାଗଡ଼, ବରେହିପାଣି, ଅସ୍ତକୁମାର, ଗୁରୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ଧଳାବଣୀ ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 3,21,00,000 ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରେ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଅନୁପମା ଘୋଷ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ 25 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଯଶୀପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ନାୟକ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର କବିଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ବ୍ଲାକରୋଜ୍ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛି ସିବିଆଇ। ତଦନ୍ତ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଦୁଇଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 2009 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବ୍ଲାକରୋଜ୍ ନାମକ ଏହି ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ। Delivery boy has picked your order. अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମହାକୁମ୍ଭ 2024। ଭାରତ ନବସୃଜନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରସାର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଂସ୍ଥା, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନକାରୀ ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସମ୍ମିଳନୀର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ୟାଭିଲିୟନରେ 40 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଂସ୍ଥା ନିଜ ନିଜର ନବସୃଜନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତାର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି। ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକାରୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାରମାନେ କିଭଳି ଏସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରୁଛି। ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସିଇଓ ଜି ବିଜୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ये कि हम खुद ही स्टार्टअप है गवर्नमेंट के इकोसिस्टम में, और जिस तरह हमारी ग्रोथ रही हम चाहते हैं कि हर एक स्टार्टअप हिंदुस्तान का ऐसे ही ग्रो करे। हमने पहले साल में 400 करोड़ किया और इस साल हम 4,00,000 करोड़ करेंगे। मुझे जो स्टार्टअप अंशीदार आम स्टार्टअप जपरि अभिवृद्धि घटू से हीपरी समस्त स्टार्टअप गुड़िकर अभिवृद्धि घटू मुशा करुच्ची जिते स्टार्टअप अच्छी सेगुड़िकर जपरि अभिवृद्धि घटव से आम चेष्टा जारी रखिचु। ଆମ ଶିଳ୍ପରେ 23,000 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଛି। ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକୀ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି ଆମ ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକୀ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛୁ। କେତେକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରୋବୋଟିକ୍ ସ୍କାଭେଞ୍ଜିଂ ଯନ୍ତ୍ରର ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରେତାମାନେ ଏହି ଉତ୍ପାଦର ଉପକାରିତା ଜାଣିଲା ପରେ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ସହଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ନେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଉଛନ୍ତି ତାକି ଜିତନା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କର ସକେ ହମେ ପତା ହେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କା ଦର୍ଦ ଔର ଭି ପତା ହେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କି ସକ୍ସେସ।
भुवनेश्वर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट पक्षर् आज दुईदिनिया वार्षिक प्रदर्शनी तथा शिल्प मेला आरंभ होई छि। पारंपरिक शिल्प कला सह समकालीन डिजाइन प्रदर्शित होउछि। एहा ओडिसा हस्तशिल्प परंपरा एवं कारीगरी कला कौशल प्रतीक पलटिछि। उद्घाटनी कार्यक्रम में निफ्ट निर्देशक राजेश कुमार झा, बयनिकार परिचालना निर्देशक प्रणति छोटरा एवं प्रख्यात हस्तंत शिल्पी शरद पात्र प्रमुख एहि मेलार आवश्यकता एवं उद्देश्य संपर्क में सूचना देथिले। एहि अवसर मानस साहू एवं समीर तिर्की दल सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करिथिले। आसंता काली एही मेला सरीब। जिसे स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया है, यहाँ पे बच्चे अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जैसे कि लोगों ने बताया कि हम फेस पेंटिंग में कैसे लगते हैं, तो ये भी एक कला है। लोग स्पोर्ट्स का आयोजन हम कर रहे हैं, तो अलग अलग स्पोर्ट्स भी हमारे एक NIFT के अंदर हो रहा है। बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज भी हम कर रहे हैं। लिखने पर बेआईन मानव चालाण अपराध रोकिबापई जातीय महिला कमिशन और रेलवे सुरक्षा बाहिनी RPF मध्ये एक बुझामणापत्र स्वाक्षरित होईछि। कार्यक्रम में उद्बोधन दे महिला कमिशन अध्यक्षा रेखा शर्मा कहिछन्ति, विभिन्न स्टेशन रे अवस्थापित रेल सुरक्षा बाहिनी जवान माने महिला और शिशुमानक विरोध में होउथबा अपराध को रोकिबारे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिपारिबे। जेते सब मानव चालाण होउछि सेथिमध्यरु 70% होउछन्ति महिला और शिशु। कार्यक्रम में उद्बोधन दे RPF रा महानिर्देशक मनोज यादव कहिछन्ति, महिला मानक निरापद यात्रा सुविधा जगाइ देबा एही बुझामणापत्र रो मुख्य उद्देश्य। रेल बा रेलवाई परिसर मध्यरे महिला विरोधी अपराध को दृढ़ हस्तरे दमन कराजिबो बोली से कहिछन्ति। निर्वाचन पर्व आम देशर गर्व। भारत निर्वाचन कमिशन ए पृष्ठभूमि रे आगामी एककालीन साधारण निर्वाचन रे देशर समस्त वर्गों अंशग्रहण पर पदक्षेप ग्रहण करुछन्ति। ए क्रम रे अनन्य चेष्टा हेउछि संपूर्ण रूपे महिलांक द्वारा परिचालित सखी बूथ। एहा हेउछि एक आदर्श बूथ जहाँ संपूर्ण रूपे महिलांक द्वारा परिचालित। जेउं अंचलरे महिलांक मतदान हार कम रहुछि सेठी सखी बूथ करा जाई महिला मतदान हार वृद्धि पई लक्ष्य रखा जाइछि। ए बूथ रे प्रेजाइडिंग अफिसर, पोलिंग अफिसर, सुरक्षाकर्मी एवं अन्य कर्मचारी समस्ते रहिबे महिला। सखी बूथ रे पोलिंग एजेंट भाबरे महिलांकु नियोजित करिबा पई राजनैतिक दल एवं प्रार्थीकु मध्य अनुरोध करा जाइछि। एठारे नियोजित हेबाकु थिबा महिला कर्मचारी कौनसी मध्य रंगर पोशाक एवं साड़ी पिंधि पारिबे। मात्र सेमाने ओडिसार हस्तंत्र जेकोनसी पोशाक एवं साड़ी पिंधिबा पई उत्साहित करा जाउछि। सखी बूथ गुड़िक मध्य अन्य मॉडल बूथ गुड़िक परि आनुषंगिक व्यवस्था करा जिवो। ओडिसार प्रतिटी जिल्ला रे सखी बूथ कार्य करिवो। दिल्ली में अर्थनीति संक्रांत अंतर्जातीय उजान और ईंधन सेल सहयोगिता संगठन 41वां परिचालना कमिटी बैठक आरंभ होई। एही बैठक आसंता 22 तारीख पर्यंत चलो। बैठक प्रथम पर्याय सबुज उजानर सफल प्रयोग एवं एक क्षेत्र में नवसृजनर विभिन्न दिग संपर्क में वक्ता माने महत्वपूर्ण परामर्श देते। केन्द्र सरकार प्रमुख वैज्ञानिक परामर्शदाता प्रोफेसर अजय सूद कहते, उजान को अधिक स्वच्छ कर उत्पादन मूल्य को यथेष ह्रास जरूरी। एथपाई दक्ष वृद्धि जथेष गुरुत्व देवाई पड़े। ए दिगरे अधिक सफलता हासिल करने नूतन एवं अक्षय शक्ति मंत्रणालय सह केन्द्र सरकार विभिन्न मंत्रणालय उद्यम करुछंती श्री सूद कहिछंती। मधुमेह चिकित्सा पई बेंगलुरु स्थित बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैबोरेटरी वैज्ञानिक एक नूतन कृत्रिम पैनक्रिया व्यवस्था प्रस्तुत करिछंती। एहा हेउछि रेशम भित्तिक एक हाइड्रोजेल व्यवस्था। एहा माध्यम रे मधुमेह रोगी इंसुलिन अभाव स्वाभाविक भाव पूरण हो पारिबो। उभय टाइप 1 एवं उत्कट स्तर में पहुंचा टाइप 2 मधुमेह रोगी को यह खूब सहायक हेबो बोली आशा करा जाउछि। वैज्ञानिक टी गोविंदराजु एवं तांको दल अन्य सदस्य माने किछि मासर गवेषणा परे एही सफल चिकित्सा पद्धति प्रस्तुत करिवारे मध्य सफल होइछन्ते। नूतन व्यवस्था रे पैनक्रिया अनुरूप इंसुलिन सृष्टि करा जाई परिबो बोली श्री गोविंद राजु कहिछन्ते। वर्तमान पाणीपाग संपर्कित खबर। राज्यर उपकूल अंचल समेत अन्य किछि अंचल रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होई जायछि। भुवनेश्वर सह एहार निकटस्थ किछि अंचल रे आज मध्यान रे वर्षा होईछि। आगामी दुई दिन धरि राज्यर विभिन्न अंचल रे सामान्य रु मध्यम धरणर वर्षा हेबा सह अनेक अंचल रो पाग मेघुआ रहिबो। आसंता काली राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा बा घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। अल्प किछि अंचल रे 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बोहिबार संभावना रहिछि बोली भुवनेश्वर पाणीपाग कार्यालय सूत्ररु प्रकाश करा जायछि। विदाजपुर, कटक, ढेंकला, नयागढ़, बोध, कंधमाल इन सब डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल आज प्रिसिपिटेशन की संभावना है। उसके बाद हेल की जो सोनपुर, बोध, कालांडी, बोलांगीर,
कंधमाल, नयागढ़, कटक। शेषरे समाचार मुख्यांश पुणी थरे। लोकसभा निर्वाचन पई आसंताकाली निर्वाचन कमिशन को पक्षरु प्रकाश पाइब विज्ञप्ति। प्रथम पर्यायर एप्रिल 19 तारीख में 17 राज्य एवं 4 केन्द्रशासित अंचल 102 आसन पई हेबो मतदान। केरल रोड शो एवं तमिलनाडु ठारे निर्वाचनी जनसभा रे उद्बोधन दे तमिलनाडु विकास पई 400 पार स्लोगान को दोहराइले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। आगामी साधारण निर्वाचन पई कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षतार अनुष्ठित परिचालना कमिटी बैठक में दलर निर्वाचन इस्ताहार को प्रदान करागला चूड़ांत रूपरेख। नागरिकत्व संशोधन आईन सीएए रो वैधता नहीं सुप्रीमकोर्ट का केन्द्र सरकार को जवाब तलब। 3 सप्ताह मध्य उत्तर रखा देले निर्देश। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद जमी विवाद मामलें मस्जिद परिचालना कमिटी आवेदन को खारज कले सुप्रीमकोर्ट। ओडिशार स्वार्थ को दृष्टि रखि जनकल्याण आवश्यक पदक्षेप केन्द्रीय बीजेपी नेतृत्व निश्चित करिबे बोली नवरंगपुर गस्तरे आसी सूचना देले छत्तीसगढ़ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा। एवं मयूरभंज जिला जशीपुर ब्लक्र बहुचर्चित मनरेगा दुर्नीति मामलार 25 अभियुक्त 3 को आसंताकाली प्रवर्तन निर्देशालय ईडी रे हाजर हेबाकू जारी हेला नोटिस। आज समाचार प्रसारण को ये रखु विदाय दिंतु। नमस्कार, शुभरात्रि।